नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और हां, हमारे मेहनत को सफल बनाने हेतु वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नवगछिया में अपनी ही सरकार की व्यवस्था पर जमकर बरसे गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। कहा, नवगछिया भागलपुर में अफसर बेलगाम। परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ओवरलोड ट्रकों को निकालने के लिए वाहन माफिया है सक्रिय। शुक्रवार को गोपालपुर विधानसभा के विधायक एवं सत्तारूढ़ जदयू के सचेतक गोपाल मंडल ने अपने ही सरकार के अधिकारियों के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान समय में बिहार में अफसर पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बता रहे हैं, वहीं प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी पैसे वसूली की खेल खेलने में लगे हुए हैं। उक्त बातें उन्होंने नवगछिया स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि खासकर नवगछिया एवं भागलपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यहां परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ओवरलोड ट्रकों को निकलवाने के लिए वाहन माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस खेल में एनएच एवं एनएस से जुड़े थाने के दरोगा के अलावे बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। सड़कों पर ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार में मौत बनकर दौड़ रही है। हालात यह है कि जगह जगह चेक पोस्टों पर खड़े पुलिस को देखकर ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार से आम लोगों को रौंदते हुए भाग रही है। इसकी कीमत आम लोगों को जान देकर चुकानी पड़ रही है। अरे बीते कुछ दिनों से कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, ये बोलिए ना, लगातार दस साल से बिगड़ा हुआ है। हम ही बोलते हैं, करे हत्या को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते, इसलिए नहीं, हत्या को किसी भी टाइम हो सकता है। नवगछिया के रंगरा में मां बेटी कोरोना से संक्रमित, गृह स्वामी क्वारंटीन। नवगछिया मंडल के रंगरा प्रखंड स्थित सदवाग गांव निवासी मां बेटी के कोरोना से संक्रमित हो जाने की सूचना है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आते ही हरकत में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित मां बेटी को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। दोनों अपने घर में ही रह रही थी। महिला की उम्र 28 वर्ष है तो बच्ची की उम्र 8 वर्ष है। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति और बच्चे के साथ 17 मई को मुंबई से रंगरा आई थी। महिला के पति को रंगरा प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन कर दिया, तो महिला के साथ उसकी बच्ची को होम क्वारंटीन किया गया था। जानकारी मिली है कि पिछले दिनों सबौर में संक्रमित पाए गए लोगों से महिला का संपर्क हुआ था। वहीं रंगरा पीएससी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि शुरुआती लक्षण पूरी तरह से मामूली थे, लेकिन चूंकि महिला सबौर में संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क में आई थी, इसलिए दोनों को संदिग्ध घोषित करते हुए जांच करवाया गया। यह भी जानकारी मिली है कि अपने घर में रहने के क्रम में 17 मई को सैंपलिंग होने तक कई दूसरे लोगों के संपर्क में आई है। दूसरी तरफ गाँव में भी महिला के एक दूसरे से संपर्क में आने की चर्चा प्रमाण पर है। उक्त संक्रमण का चयन जानने के लिए चिकित्सकों की टीम द्वारा महिला और उसकी 8 वर्षीय बच्ची से पूछताछ की जा रही है। शनिवार को सभी लोगों के सैंपलिंग करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया है। खरीक चौरहर में मुख्यमंत्री नल जल योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी से किया शिकायत। खरीक प्रखंड के भाकपा माले कार्यकर्ता ने चौरहर पंचायत के बगड़ी में मुख्यमंत्री नल जल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत जिला पदाधिकारी से की है। बताते चलें कि ग्रामीणों ने डीएम और अनुमंडलाधिकारी नवगछिया को मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना के नाम का एक आवेदन पत्र समर्पित किया है, जिसमें भाकपा माले कार्यकर्ता सहित ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है कि नल जल योजना में पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्यों द्वारा करवाए गए नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नवगछिया में बूथ लेवल की मजबूती के लिए राजद ने की बैठक। राष्ट्रीय जनता दल गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत कमलाकुंड पंचायत में गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे की अध्यक्षता में मुखिया अमर यादव के आवास पर बैठक आयोजित कर पंचायत कमेटी का विस्तार करते हुए गोसाईगांव पंचायत में अशोक यादव, मकनपुर पंचायत में शंकर शर्मा, अभिया बजगसिया पंचायत में डॉक्टर बबलू कुमार, डुमरिया चपरगट में रास बिहारी मधुकर, सैदपुर पंचायत में मुकेश भारती एवं प्रमोद पंडित, सुखटिया बाजार में दिवाकर मंडल एवं मंकर हरिजन, तिनटेंगा करारी में रविशंकर यादव उर्फ रविन्द्र यादव, बाबूटोला कमलाकुंड में चंदन कुमार को विशेष दायित्व देते हुए बूथ लेवल तक की मजबूती के लिए 31-31 सदस्यों की कमेटी बनाने को निर्देशित किया है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, युवा नेता शैलेश यादव, प्रदेश महासचिव प्रतिमा सिन्हा, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा सहित कई राजद नेता उपस्थित थे। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस ने जरूरतमंद को दिया राहत सामग्री। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी के ट्विटर पर भागलपुर
जिले के भंवरपुर निवासी श्रवण कुमार सर मसूर दास जो आंखों से लाचार है, इन्होंने लॉकडाउन की वजह से लगातार भूखे रहने के चलते अपनी परेशानी को ट्वीट कर प्रियंका गांधी को बताया। इस ट्वीट पर गांधी ने संज्ञान लेकर अविलंब अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नदीब जावेद को श्रवण शर्मा हेतु भोजन सामग्री उपलब्ध कराने की जानकारी दी एवं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दिया। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष मोहम्मद सारिक खान ने जानकारी देकर उक्त जरूरतमंद को भंवरपुर गांव पहुंचकर राहत सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। नारायणपुर में साइड मांगने के दौरान मारपीट। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के जमींदारी तटबंध बड़ी मस्जिद के पास शुक्रवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे दुधेला निवासी मुकेश यादव एवं राजेश मंडल के साथ साइड को लेकर ट्रैक्टर ले जाने के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे सोनी सुभाष यादव, अवर निरीक्षक गणेश सिंह, मुखिया ईशो यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व जख्मी राजेश व मुकेश का इलाज हेतु पीएससी नारायणपुर में भर्ती कराया। मामले को लेकर भवानीपुर पुलिस जांच में जुट गई थी। नारायणपुर में चोरी की बाइक के साथ दो युवक गिरफ्तार, एक हुआ फरार। भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 बिरबन्ना चौक पर शुक्रवार की दोपहर लगभग 12 बजे थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में DAP जवान की मदद से वाहन जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट के हीरो कंपनी की डिलक्स बाइक के साथ सवार तीन में एक फरार हो गया, जबकि प्रोफेसर कॉलोनी नोगछिया निवासी चंदन कुमार एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया निवासी खंतर मंडल को पूछताछ के दौरान चोरी की बाइक समेत दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार दोनों युवक को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अजीत योगी के निधन पर जदयू ने जताया शोक। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत योगी के निधन पर नोगछिया युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल व अभिषेक भगत ने गहरी दुख संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति की कामना की है। सोनू ने कहा कि अजीत योगी एक लोकप्रिय राजनेता और कुशल प्रशासक थे। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल SCBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177 9934855177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोधार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।